हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कब्ज के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी, जो कि बहुत आसानी से आपको घर में मिल जाएगी, मूली आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये मूली देखिए मार्केट से लिया है। ये मूली जो होती है, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी कब्ज जो होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इसका सेवन सुबह आप इसे ज़रूर से ज़रूर खाएं, और दोपहर में, रात में नहीं खाना है। तो सुबह जैसे खाने नाश्ते के साथ और लंच में आप इसे बराबर ले सकते हैं। तो मूली आपको जैसे कि थोड़ी सी नहीं लेना है कि एक दो पीस खा लिए और मतलब ख़त्म काम, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, जैसे कि आधी मूली है, आधी से कम ना खाएं। जितनी मूली हमने लिया है ये ज़रूर, इतना ज़रूर से ज़रूर खाना है, और ज़्यादा खा सकते हैं। तो अभी क्योंकि मूली इस समय बहुत अच्छी आती है, मीठी मूली आती है, नहीं तो गर्मियों के सीज़न में थोड़ा तीखी लगती है। तो ये मूली आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। और ठंडी में क्या होता है कि पानी बहुत कम पीते हैं, तो इसलिए कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। ठंडा मौसम होता है और पानी पिया नहीं जाता है। तो पानी जैसे 4 लीटर पीते हैं तो 2 ही लीटर पिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और पानी जब पीते रहते हैं हम बराबर, तो फिर कब्ज की परेशानी नहीं होती है। तो इतनी मूली आपको ज़रूर लेना है जितनी हमने काट के रखी है। तो इसे आप खाने के साथ, नाश्ते के साथ मतलब लंच में, या कि इसका जूस बना के, या इसे कद्दूकस करके, अगर दांत नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, कद्दूकस करके घिस के खा सकते हैं। और अगर पसंद नहीं है तो थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के ले सकते हैं। तो किसी तरह मतलब मूली का सेवन ज़रूर से ज़रूर करें अगर कब्ज की परेशानी है तो, क्योंकि जब कब्ज होती है तो कब्ज की वजह से गैस भी हो जाती है, पाइल्स भी हो जाता है, और फिशर भी हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कब्ज को हटाने के लिए मतलब इसका ज़रूर ध्यान दें कि शरीर पेट में हमारे कब्ज नहीं होना चाहिए। तो इतनी मूली आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी है, ये जैसे हमने कट किया है। और ये मूली के पत्ते हैं, जैसे कि देखिए कितने सुंदर पत्ते आते हैं इस समय। तो इन पत्तों को, जो नरम पत्ते होते हैं, तो इन नरम पत्ते को आप बारीक कट कर लें, और बिल्कुल बारीक कट करके उसमें नमक डाल के, नींबू डाल के आप खा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है और ये भी बहुत फ़ायदा करता है। जैसे कि बोलते हैं सब्जियों को पकाना, सब्जी को ज़्यादा गला के नहीं खाना चाहिए, तो कच्ची चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सलाद हम यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होता है।